Hello friends, good morning, welcome back to my channel. So, आज बहुत अच्छा दिन है. आज मेरे पूरब का बर्थडे है, तो आज वो 4 साल का हो गया है ना. आपका स्वागत है गरम गरम चाय के साथ. और आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे बैलून से, तो पापा ने सुबह सुबह अपना काम कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं बलून सन. यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स, वो हैप्पी बर्थडे वाला मैं सोच रही थी, तो वो वाला मुझे मिला नहीं मार्केट में. यहाँ पे ये आइलैंड है मतलब हम जो चाहते हैं जल्दी मिलता नहीं है, और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए जल्दी मुझे मिल नहीं पाता है कुछ भी चाहूँ तो. तो जो है उसी से हम अपना इंतज़ाम करेंगे, है ना. उसी में हमें खुशियाँ ढूँढनी है. तो ठीक है, पूरब अभी सो रहा है और रवि मार्केट गए हैं थोड़ा सामान लाने, तो हम सोचे पहले सुबह सुबह आज आप लोग से बात कर लिया जाए. दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ बात करने से अच्छा होता है ना. आप भी हमारे फैमिली हैं, तो सब कुछ शेयर करना ज़रूरी होता है. थोड़ा सा ये बलून से ही हम घर को डेकोरेट करेंगे. ठीक है, मिलती हूँ आपसे कुछ देर में. फिर मैंने पूरब को प्यार से उठाया, उसे थोड़ा किसी करके. बच्चों को बहुत प्यार की ज़रूरत होती है, और ये नींद से उठाने के टाइम तो वो चाहते हैं उसकी मम्मी उसको बहुत प्यार से उठाए, तो उसको कर्डलिंग चाहिए रहता है थोड़ा सा. बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं सोने के टाइम, उन्हें उठाने को मन नहीं करता है. पर तैयार करना था क्योंकि उसका क्लासेस स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन, ये कैमरे की तरफ देखते हुए उठ गया, तो इसको रेडी करना पड़ता है. तो ले जाके मैंने ब्रश वश करा के ड्रेस वेस चेंज करा दिया इसका मैंने, और फिर उठ के वो देखने लगा घर पे सारा बेलून्स बिखरा हुआ. उसे बहुत मज़ा आ गया देख के, एक्साइटेड हो गया, ओह माय बर्थडे करके बोलने लगा. पूछने लगा सब कहाँ है, भैया कहाँ है, फ्रेंड्स कहाँ है. हम बोले सब शाम को आएंगे, अभी तुम अपना क्लास करो पहले. तो पूरब के लिए हमने 2 बर्थडे केक लाया था. पहला फैमिली के साथ हमने काटा सुबह, क्योंकि उस टाइम इंडिया में रात रहता है, तो हमने सोचा पहले हम फैमिली के साथ केक काट लें, क्योंकि अगर हम शाम को काटेंगे तो वो लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर आधी रात हो जाता है. फैमिली के साथ हम वीडियो कॉलिंग में थे और कह रहे थे पूरब को कि आप खिलाओ, उसे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, और जो दोस्त को मिल नहीं रहा था तो वो नाराज़ हो जा रहा था, तो वो नाराज़ होकर चला गया. हमने कहा ठीक है, आपको चॉकलेट केक पसंद है आप खाओ, लेकिन आप थोड़ा कैमरे में बोलो सबको, आप ले लो आप खाओ करके. Thank you.
सो वी हैव कट द केक विद फैमिली. सो फैमिली के साथ हमने केक काटे है. ऑनलाइन डिजिटल केक, ऑनलाइन केक, ऑनलाइन केक काटा हमने फैमिली के साथ. और फिर शाम को हम लोग फ्रेंड्स लोग के साथ केक काटेंगे. तो डूब का दो दो केक आया है. तो शाम को हम और एक केक दिखाएंगे. फिर पूरब अपने ऑनलाइन क्लासेस में बिजी हो गया तो वो अपना चॉकलेट केक लेके ही बैठा था. Yes. तो ये थोड़ा सा डेकोरेशन किया हुआ है बैलून से. तो पूरब के लिए हम डिश में शाही पनीर बना रहे हैं, चिकन, खीर और राइस पुलाव. तो ये मेरा शाही पनीर तैयार हो गया है, चिकन भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है. आई एम सॉरी मैं शेयर नहीं कर पाई रेसिपी. मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी फिर कभी ये सब रेसिपी. आज मैं जल्दी जल्दी बना लिया और एकदम से भूल गई शेयर करना. तो ये है थोड़ा सा डेकोरेशन. ही इज़ ऑल्सो इंजॉइंग एंड बस मेरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट. तो शाम की तैयारी के लिए कैच यू लेटर. तो पूरब को सारा दिन उसे पढ़ने को और मन नहीं कर रहा था. वो बहुत ही एक्साइटेड था, उसका बर्थडे है करके उछल रहा था. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो शाम हो गए हैं और हम रेडी हो गए हैं. ही इज रेडी विद हिज हॉट व्हील कार. सो वी आर वेटिंग फॉर आवर गेस्ट टू कम. माय पेटी अपॉइंटमेंट केक. Yeah, do you have a Spider-Man cake? I'm going to make we my... We have ordered a Spider-Man cake and it turned so it, nice. No, nice. I'm going to make. Me. Wait. I'm going to make. Uncle. Yeah. So here is cake. See? Wow, so nice. Spider-Man, he loves Spider-Man character. So we have ordered this Spider-Man cake. Hey, no, don't touch. Bacche log. They don't have patience at all. Name to go, nahi, abhi nahi, leave it. So ye Purab ka second cake hai, Spider-Man. He loves this. So welcome everyone. We have done a small decoration for Purab. I know ये कुछ भी डेकोरेशन नहीं है बट बच्चों को इतना ही बहुत लगता है. उन्हें बहुत मज़ा आता है. थोड़ा सा भी अगर कुछ कर दो तो उन लोगों के लिए जन्नत हो जाता है. जैसे कि हमने सुबह सुबह बहुत सारा बेलून्स ब्लो कर दिया था तो शाम होते होते बहुत सारा बास्ट हो गया, बहुत कम हो गया, जिसके वजह से खाली खाली दिख रहा था. लेकिन वो भी खुश था और साथ में कह रहे थे कि ओ मम्मा माई बर्थडे बेलून बास्ट. और ओके नो प्रॉब्लम. यहाँ रवि वेट कर रहे हैं सबका. पूरब भी बाहर है. एंड नाउ द पार्टी बिगेंस. थैंक गॉड हमें पूरब का फेवरेट कैरेक्टर वाला केक हमने ऑर्डर जो किया था वो हमें मिल गया. सो ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट. सो वी हैव अ स्मॉल गैदरिंग क्योंकि ज़्यादा लोग का गैदरिंग अलाउ नहीं है तो हमने बहुत ही स्मॉल छोटा सा ही पार्टी रखा था. Everything's unfolding as it should. I would be more grateful if I could. If the world is an image in my mind. Can't complain about what I find. Maybe I wanna be taller. Maybe I wanna be richer. But I guess when all is said and done, I'm pretty happy with this picture. Cause everything's unfolding as it should. And I would be more grateful if I could.
everything's unfolding as it should. And I would be more grateful if I could. If the world is an image in my mind. So we have taken some group photos, and this is little effort to make his day more beautiful and memorable. He really enjoyed a lot. Guess लोगों ने भी बहुत तारीफ किया खाने का, और वो लोग भी बहुत enjoy किए. सब लोग बहुत खुश थे और पूरब भी बहुत खुश था. तो हमारे छोटे से एफर्ट से अगर हमारा बच्चा खुश होता है तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं है. सो वी हैव मेक अ वेरी लिटिल एफर्ट टू मेक आवर बेबी बर्थडे वेरी स्पेशल. और आप लोग को भी पसंद आया होगा कि ये छोटे से आइलैंड में हमने सब कुछ कैसे अरेंज किया और अपने बच्चे का बर्थडे बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाया. थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.